હવે વાત કરીશું વિનલ બનેલા વરસાદની। તો રાજ્યમાં સારા વરસાદ માટે હજુ પણ રાહ જોવી પડશે। અલનીનોની ગુજરાતમાં વરસાદ માટે જાણે કે વિલન બની ગયું છે। બીજી તરફ કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય ન હોવાથી સારા વરસાદ માટે હજુ પણ રાહ જોવી પડે તેવું છે। સારા વરસાદની શક્યતા ન હોવાનું હવામાન વિભાગનું કહેવું છે। અલનીનો વિઘ્નરૂપ હોવાથી પાકને જીવનદાન મળે તે અર્થી ખેડૂતોને હજુ પણ સારા વરસાદની રાહ જોવી પડશે। उसकी वजह से भी जो है काफ़ी ड्राइनेस हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश में जो है काफ़ी गिरावट है। जो भी एंड जो नॉर्थ से हवाएं जो है तीन दिन के बाद जो है मोस्टली हवाएं जो है नॉर्दर्ली आ रही हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी ड्राइनेस गुजरात के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी गिरावट है देखी जाएगी। अगले हफ्ते लाइट टू मॉडरेट रेन ही वो भी साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में देखी जा सकती है। और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो अगले 7 दिनों के लिए सौराष्ट्र कच्छ मुख्य तौर पे जो है ड्राई रहने की संभावना है। और गुजरात रीजन में भी नॉर्थ गुजरात जो है मुख्य तौर पे जो है अगले 7 दिनों के लिए संभावित तौर पे ड्राई रहेगा। और साउथ गुजरात में अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन अगले 3 दिनों में होने की संभावना है, जिसमें से नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन मुख्य तौर पे शामिल हैं। और 3 दिन के बाद जो है रेनफॉल काफ़ी जो है निम्न स्तर पे रहेगा, जिसमें सिर्फ साउथ गुजरात में जो है चौथे पांचवें दिन जो है नवसारी, वलसाड, तापी और दमन में जो है लाइट रेन रहने की संभावना है। और उसके बाद छठे सातवें दिन में साउथ गुजरात में भी मुख्य तौर पर पूरे गुजरात में जो है ड्राइनेस रहने की संभावना है। तो अहमदाबाद में मुख्य तौर पर अगले 24 घंटों के लिए जनरली क्लाउडी रहेगा और अभी एज ऑफ नाउ जो है रेन की किसी भी तरह की संभावना नहीं है। तो 24 કલાકમાં રાજ્યમાં છૂટો છવાયો વરસાદ। 4 તાલુકામાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો। તલોદ અને કપરાડામાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો। મહીસાગરના કડાણા, સંતરામપુરમાં 1 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો। અન્ય તાલુકાઓમાં પણ 1.5 થી 1.25 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। અરવલ્લીના બાયડમાં મેઘરાજાએ પુનઃ સવારી કરી છે। અસહ્ય ગરમી બાદ મોડી સાંજે એકાએક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો। મોડાસા, ગાજણ, दघालिया सहित विस्तारों में धीमी धारे वरसाद वरस्यो हतो। मोड़ी रात्रे तनसुरा, श्रावणाजी, मेघरज, मालपुर में वरसाद वरस्यो हतो। लांबा समय विराम बाद मेघराजाए फरी सवारी करता मगफळी, मकाई, सोयाबीन, कपासना पाक ने जीवनदान मळ्युं छे। हळवा वरसाद कारण खेडूतों में खुशी छवाई है।